चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां भी मजबूती से ताल ठोक रही हैं। इस बार दोनों ही पार्टियां किस फार्मूले के तहत उपचुनाव लड़ेंगी, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक न तो गठबंधन के लिए हामी भरी है और न ही इनकार किया है। मतलब साफ है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अच्छी तरह से रणनीति के तहत बातचीत पहले चल रही है। बीजेपी ने अभी गठबंधन को लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि गठबंधन से मना नहीं है, लेकिन इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी कांग्रेस से समझौता करते हुए हाथ मिला सकती है। इसे लेकर बेनीवाल का कहना कि यदि कांग्रेस खीउसर के साथ ही देवली उनियारा सीट छोड़े तो कुछ बात बन सकती है। वहीं राजकुमार रोत की बीएपी भारत आदिवासी पार्टी भी 84 सीट पर किसी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि उपचुनाव में पार्टियां किस फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगी, क्या दोनों बड़े दल गठबंधन करेंगे। बेनीवाल ने कांग्रेस से दो सीटें मांगी हैं, क्या आरएलपी और कांग्रेस के बीच बात बनेगी, बीएपी किससे समझौता करेगी, और बड़ा सवाल ये कि बीजेपी भी समझौता करेगी या अकेले ही ये सियासी लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट केंद्रित रहेगी, और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो उपचुनाव को लेकर रस्साकशी चल रहा है, तो ऐसे में सवाल ये किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितना तैयार है। तो उपचुनाव को लेकर आज हम सवाल पूछेंगे, विधानसभा उपचुनाव का रण है, किस फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगी पार्टियां, क्या दोनों बड़े दल गठबंधन करेंगे। बेनीवाल ने कांग्रेस से मांगी है दो सीटें, क्या बनेगी बात। बीएपी किसको किससे करेगी समझौता, किसे देगी टेंशन, क्या बीजेपी भी किसी पार्टी से हाथ मिलाएगी। उपचुनाव में किसका किससे गठबंधन है, क्या कांग्रेस और बेनीवाल मिलाएंगे हाथ। बीएपी किसका देगी साथ, आप भी लड़ेगी चुनाव, ये सवाल है। बीजेपी भी समझौता करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, ये भी गंभीर सवाल है। और जूली बोले कि बेनीवाल से गठबंधन का भी मना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि टिकटों का फैसला 3-4 दिन में हो जाएगा, और गहलोत बोले कि गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा। यानी अब जो ये पेच है वो फंसता हुआ नजर आया। राजस्थान में हम सब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, अब किसकी कितनी तैयारियां हैं ये जानना समझना बेहद ही दिलचस्प होगा। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार राजस्थान का ये जो चुनाव होना है किस फार्मूले पर ये चुनाव है, क्या स्थिति बन रही है। तो 7 सीटों पर होने वाले चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शैलेश कौशिक जी हमारे साथ नेता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर सिंह राजपुरा हमारे साथ नेता कांग्रेस हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं सीटों को लेकर, किस तरीके से आप लोग रणनीति बना रहे हैं, दर्शकों को थोड़ा कुछ बताएं। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से लगातार इस चुनावों की तैयारी कर रही है, और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अपने स्तर पर पूर्ण तरह लड़ेगी। अगर कोई राजनीतिक दल हमारा समर्थन करना चाहता है वो अलग बात है, बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन के अंतर्गत चुनाव में लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लगातार तैयारी कर रही है और अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतरेगी। जहां तक तैयारियों का विषय का सवाल है, तो जब हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, उन्होंने लगातार जून में बैठक की थे प्रभारी के साथ, उसके बाद कमेटियां बनाई, प्रभारी लगाए, मंत्री लगाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर काम जारी है और भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। निश्चित रूप से 10 महीने के भजनलाल जी की सरकार के काम और केंद्र सरकार की योजनाओं के बल पर
इन 7 विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जी ठीक है, करणवीर जी किस तरीके से तैयारियां आप लोगों की चल रही है, सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, आलाकमान से भी बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है, क्या कैसी तैयारियां हैं? सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। हमारी कुछ कमेटियां बनाई गई है, उन कमेटियों से पैनल तैयार किए जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व सेंट्रल कमेटी गठबंधन के भी फॉर्मूले पर बात करने कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर सीट शेयरिंग का मामला है वो सुलझ जाए और उसके बाद जो नाम है वो आपके सामने उजागर होंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 10 महीने का जो जंगल राज है, जिसकी वानगी आप रोज अखबारों के अंदर देख रहे हैं, कल भी आपने देखा होगा कि किस तरह जयपुर शहर के अंदर चाकूबाजी एक समारोह के मंदिर के आयोजन में लगातार हो जाती है और उसके बाद यहाँ के शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रहती, वहां पर मंत्री स्वयं मौजूद हो जाते हैं, उसके बाद भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिससे राजस्थान की जनता, प्रदेश की जनता पिछले 10 महीनों के अंदर इनकी अव्यवस्थाएं देख चुकी है। ये सर्कस की सरकार, ये यूटर्न की सरकार, या यूं कहें कि ये नित रोज नए आयाम स्थापित करने वाली, चाहे मदन दिलावर जी को ले लीजिए, चाहे इनके दूसरे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को ले लीजिए, ये तमाम तरह के लोग रोज नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो ये अव्यवस्थाओं का खेल राजस्थान की जनता बंद करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि आपने जिस तरह से ठगी कर राजस्थान के अंदर पिछले झूठ बोलकर 9-10 महीने पहले सरकार बनाई थी, उसकी कलाई खुल गई है और इसका आईना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, ठीक है वो तो अभी मैं जानूंगा, लेकिन करणवीर जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि गठबंधन का फैसला हाईकमान करेगा और वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि टिकटों पर फैसला 2-3 दिन में हो जाएगा या 3-4 दिन में हो जाएगा, अब किसको वरीयता दी जाए? पूर्व सौरभ जी गठबंधन की जो धर्म है और जो गठबंधन की जो पालना है उसको तय करने का काम कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी तय करेगी। इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए हमने लोकसभा के अंदर आरएलपी से और बीएपी से गठबंधन किया था बाप पार्टी से, अब आने वाले समय के अंदर क्या बेहतर रहेगा, क्या उचित रहेगा, ये तय करने का काम हाईकमान का, सेंट्रल कमेटी का है, वो तय करेंगे। उसके बाद जल्द ही आपके सामने नई सीट शेयरिंग का और जो प्रत्याशी है उनके नाम का चयन। बिल्कुल शैलेश जी, क्या ये मान के चला जाए कि बीजेपी भी किसी से हाथ मिलाएगी या बीजेपी भी गठबंधन कर सकती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए सौरभ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर किसी राजनीतिक दल को हमको समर्थन देना है तो वो समर्थन दे, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, अपने बूथों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सक्रिय है और हमें किसी इन चुनावों के राजस्थान में उपचुनाव के लिए किसी दूसरे कांग्रेस की तरह, किसी अन्य गठबंधन के दलों की तरह नहीं देख रहे। आज कांग्रेस की स्थिति है कि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव हुए, हरियाणा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, आज इनके गठबंधन के दल के सभी साथी इनसे, जो जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं उसके साथी इनसे बचने लगे और इसकी परिणति आपको परसों जम्मू कश्मीर के शपथ ग्रहण समारोह में दिखी कि इनके तमाम घटक दल जो इनके साथ के थे उनके टॉप लीडर्स वहां उपस्थित रहे, क्योंकि अब सब लोगों को जानते हैं कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर नहीं रही है। अब देखिए हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 2 सीट चाहिए, राजकुमार रोत के और जो उनके मोहनलाल रोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बाप के, वो कह रहे हैं हम किसी सूरत में गठबंधन नहीं करेंगे, हमको कांग्रेस समर्थन दे तो दे। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है, बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुकी है, इनका जो झूठ का भ्रम था संविधान का और आरक्षण का उसको जनता समझ चुकी है और आज जनता भी जान चुकी है और गठबंधन के सहयोगी जान चुके हैं कि कांग्रेस की नाब में बैठने से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कांग्रेस अब गठबंधन की ओर देख रही है, इनके सहयोगी दल नहीं देख रहे। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है सबको मालूम है। जी चलिए ठीक है करणवीर जी, कांग्रेस की स्थिति क्या है सबको मालूम है, ये शैलेश जी कह रहे हैं, इतनी स्थिति कैसे अच्छी है, खराब है, क्या है, आप इसको बेहतर बताइए, क्या जो आरोप लगाया शैलेश जी ने। सौरभ जी ये बात कौन कह रहा है, जिनके पास स्वयं के पास जो बूथ स्तर पर पार्टी का होने का दावा करती है उनके पास प्रत्याशी नहीं है, कौन है ज्योति मिर्धा, कौन है रेवत राम डागा? रेवत राम डागा आरएलपी के उम्मीदवार थे, ज्योति मिर्धा कांग्रेस की सांसद रही हुई है, कांग्रेस की पार्टी से वो नेता रही हुई है,
वो तो इनके प्रत्याशी है महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिनके ऊपर ये पिछले सरकार के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, महेंद्रजीत सिंह मालविया जल संसाधन मंत्री थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी थी जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करती थी। क्या इन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी? ये महेंद्रजीत सिंह मालविया 84 के या बांसवाड़ा डूंगरपुर की राजनीति तो उनके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। वहीं आप क्यूंसर की बात करें तो ज्योति मिर्धा रेवंत राम डागा जो आरएलपी के सदस्य रहते रेवंत राम डागा और ज्योति मिर्धा कांग्रेस सदस्य रही थी, वो इनके उम्मीदवार है। तो देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उधार की नेतागिरी कर रही है, उधार की बातें कर रही है। तो सरकार के पास 10 से महीने इन्होंने राज के भोग लिए, गिराने के लिए 5 काम नहीं है। क्या तो इन्होंने युवाओं के लिए किया, क्या इन्होंने महिलाओं के लिए किया, क्या इन्होंने किसानों के लिए किया? बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को ठगने का काम किया, पानी के लिए इन्होंने त्राहिमाम मचा दी, और अतिवृष्टि में इनका जिस तरह से कुप्रबंधन सामने आया वो भी राजस्थान की जनता के सामने है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजस्थान की जनता इनको जवाब देने वाली है। ये बात करते हैं बूथ लेवल की, मुझे आप इनसे पूछिए कि क्या इनका बूथ लेवल खींवसर में मजबूत है, क्या इनका बूथ लेवल 84 में मजबूत है? तो ये बताएं कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा प्रत्यारोप लगाने से पहले आप अपनी तरफ जाके अपने गिरिबान में जाके कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आपने युवाओं के साथ रोजगार का वादा किया, जुमला किया, युवाओं को रोजगार देने की बात की, 1 साल करीब होने को आया है, कितने रोजगार आपने युवाओं को दे दिए? आपने केवल थोती घोषणाएं की है, उनको क्रियान्वयन नहीं किया है। वहीं जल पानी के नाम पर इन्होंने सियासत करने का काम किया है। इन्होंने ERCP के मुद्दे को पहले तो इन्होंने लटकाए रखा, और जब आज ये कहते हैं कि हमने उसको सोल्व कर दिया, वो भी जनता के सामने लाना नहीं चाहते। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस उपचुनाव के अंदर कम से कम मैनिफेस्टो तो आप पहले ला चुके, कम से कम जो आपने 2 MOU साइन किए वो तो जनता के सामने प्रकाशित होने चाहिए कि आप उन्हें वहां करके क्या आए, किन शर्तों पे आपने वो MOU साइन किए, ये बताने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और राजस्थान की जनता से माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने झूठ बोल के राज हासिल करने की कोशिश की थी। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके विधानसभा लेवल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन को, जंगल राज को प्रभाषित और प्रकाशित करने का काम करेगा। देखिए शैलेश जी, आपके राज को अभी 10 महीने की सरकार हुई, जंगल राज बता दिया है करणवीर जी ने, कैसा जंगल राज फैला रखा है आप लोगों ने? देखिए सौरभ जी, जिस तरीके से राजस्थान के इतिहास में 10 माह के अंतर्गत ऐतिहासिक काम राजस्थान की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में किए हैं, जनता उसको जान रही है। जनता, करणवीर जी मैं आप बोल रहे थे मैं चुप था, अगर डिबेट करनी है तो तरीके से कीजिए, आराम से सुनिए, मैं बोलूं जब आप बोलिएगा। और उस जनता के, जिस युवाओं की ये बात कर रहे हैं, 41,000 युवाओं को नौकरी के पत्र युवा को हम दे चुके हैं, 1 लाख की वादा था, आपको ध्यान होगा 70 परीक्षा जारी कर चुके हैं, 70 परीक्षाओं का चार्ट आज तक के राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परीक्षा का चार्ट और परीक्षा की परिणाम का चार्ट जारी हो जाए। 60,000 हम उनके ड्राइवरों के लिए, 5,000 उनके लिए, और 28,000 सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुके हैं। ये झूठ की सरकार नहीं है, जो झूठ की सरकार थी वो आपकी थी, झूठ और लूट की सरकार, जिसको जनता ने आईना दिखा दिया। और जिसकी बात कर रहे थे आप पानी की, आप मुझे एक बार हरियाणा के घोषणा पत्र में, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में ये स्पष्ट रूप से अंकित था कि हम यमुना जल को, पानी को, हमको नहीं जाने देंगे। क्या आप किसी राजस्थान के किसी नेता ने विरोध किया? आखिर इस बार हरियाणा के आपके घोषणा पत्र में और हरियाणा की जनता ने वहां भी आपको आईना दिखाया। ये जो सरकार है ये बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम कर रही है। जिस तरीके से आपने बिजली के क्षेत्र में जो कर्जे में राजस्थान को डुबोया, और जिसके कारण थे कि आज बिजली के लिए हम आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और जिसके परिणाम आ रहे हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, अक्षय ऊर्जा हो, हर ऊर्जा के लिए लगातार काम हो रहे हैं, जिसके परिणाम 2027 में दिखाई देंगे। पानी पर, बिजली पर, युवा के लिए, गरीब के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं कामों के आधार पर वोट मांगेगी। आपके जो झूठ का और लूट का था उसको जनता ने आईना दिखा चुका है, आपके गठबंधन के दल के लोग भी आपको आईना दिखा चुके हैं। आप देखिए राजस्थान की जनता की प्रणाम है। और जिसकी बात कर रहे हो, आपकी पार्टी के नेता कितने छोड़ के चले गए, क्यों आपके नेतृत्व में उनको विश्वास नहीं है, क्या कारण है कि आपकी पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं? पहले आपकी पार्टी के नेता छोड़ते थे, अब आपके गठबंधन के दलों को आप विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके नेतृत्व में स्थिरता नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी होती जा रही है। चलिए करणवीर जी, अब आप जवाब दीजिए। सौरभ जी इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक काम किए हैं, इनसे पूछिए कि जिन 40,000 नियुक्तियों की ये बात कर रहे हैं उनकी परीक्षाएं कब करवाई इन्होंने, उनकी घोषणाएं कब की, कब इन्होंने कैलेंडर जारी किया? वो कांग्रेस के सरकार के अंदर की गई नौकरियों को इन्होंने प्रमाण पत्र जारी कर अपना बता रहे। कम से कम राजस्थान का पढ़ा लिखा युवा समझता है, जानता है कि आप किस तरह से उन्हें सफेद झूठ दिखाकर
उनके साथ ठगी करने का काम कर रहे हैं। शैलेश जी, यही युवा आपको आने वाले चुनाव के अंदर आईना दिखाने का काम करेगा। ये तो रही रोजगार की बात, आप बात करते हैं बिजली की। स्थायी शुल्क के नाम पर राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के उपभोक्ताओं को चपत लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी सस्ती बिजली की बात करती है, और बिजली का कुप्रबंधन राजस्थान की जनता से बेहतर कौन जान सकता है। पिछले 8 से 10 महीनों के अंदर आपने राजस्थान की बिजली की हालत खराब कर दी है, प्रसारण का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है, और आने महंगी बिजली के साथ साथ आपने बिजली की अनियमितताएं और जो बिजली के फॉल्ट है, दिवाली आने वाली है, आप देखिए कि किस तरह के हालात है प्रदेश के अंदर, की बिजली का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। आज भी राजस्थान के गांवों के अंदर पूरी बिजली नहीं मिल रही 24 घंटे की। ये बताइए करणवीर जी, ये 10 महीने में ही हुआ है, कैसे? पहले तो आपकी सरकार थी, ठीक है, अगर आप बिजली व्यवस्थाएं ठीक करके गए होते तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते या उसको कुछ रोकते, तब ना कुछ बात बिगड़ती। सौरभ जी, 2000 यूनिट किसानों को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त और 100 यूनिट बिजली अनुदान के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने दी। ये भारतीय जनता पार्टी ने आते ही इनको बंद करने का काम किया, और जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। चिरंजीवी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया, और तो और राजस्थान के आमजन को दी जाने वाली, मजदूर को दी जाने वाली इंदिरा रसोई, उसकी थाली का वजन भी इन्होंने कम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ना गरीब की है, ना किसान की है, ना दलित की है, ना युवाओं की है, ये केवल धन्ना सेठों की पार्टी है, केवल धन्ना सेठों की बात करना आता है इनको। अभी इसको तो अंबानी शैलेश जी समझा सकते हैं कि अभी ये ठीक है। शैलेश जी देखिए, करणवीर जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि धन्ना सेठों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों की, किसानों की, आम जनता की पार्टी नहीं। ये तो गंभीर आरोप है, इसका जवाब दीजिए। सौरभ जी, इस आरोप का जवाब दूंगा, इससे पहले जरा बिजली के बारे में जरा करणवीर जी को आईना दिखा दूं। हाँ। थोड़ा सा आईना अपनी सरकार के अगर कागजों को पढ़ा करते तो इनको मालूम होता कि जो जोधपुर में कुछ आईने, जरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जोधपुर डिस्कॉम ने जून 2023 में जो बिल जारी किए थे उसमें 5 तरीके का टैक्स लगा था, 5 तरीके का टैक्स। बिल उठा के देख लेना, व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके अलावा 6,476 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने, दोबारा बोल रहा हूँ, 6,476 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पे वसूले, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। 11 बार आपकी सरकार ने बिजली की रेट बढ़ाई, आप देख लीजिएगा। और जिस 100 यूनिट की बात कर रहे हो, और 100 यूनिट क्यों आप गर्मी में तपती लाइन में, मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी से, 50 मिनट तो आपने सीधी खरीदी थी, 100 यूनिट के लिए लाइन में क्यों लगवाया जनता को गर्मी में, जिसके लिए पानी भी नहीं था, 100 यूनिट भी देते। और जिस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन तो आपकी शर्त थी, हमने तो बिना रजिस्ट्रेशन पर होगा आपकी शर्त थी, आप बिना रजिस्ट्रेशन के देते ना, हमने तो आपकी सरकार की रजिस्ट्रेशन शर्त थी उसकी तो पालन कर रहे हैं, बंद कर दिए ना रजिस्ट्रेशन, बंद कर दिए आपने रजिस्ट्रेशन शर्त आपकी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको बिजली मिलेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको बिजली मिलेगी, है ना। बताइए 6,476 करोड़ आपने, बताइए 11 बार बिजली की रेट बढ़ाई की बढ़ाई, बताइए आपने, आपको कोई बिजली का आईना पता ही नहीं है करणवीर जी। और जिस धन्ना सेठ की पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की गरीब की, युवा की, महिला की, किसान की पार्टी है, और इसी कारण आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से आम जनता को भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है, और वो हरियाणा की जनता ने लगातार पिछली बार दिखा दिया इतिहास में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में, आपने हरियाणा में तमाम तरीके से दूसरे, चाहे वो पहलवानों पर हो, चाहे किसानों पर हो, चाहे कंधे पर धरकर बंदूक चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो आपका प्रयास असफल साबित हुआ। जिस तरीके से 10 साल में वहां जनता ने समझा कि वास्तव में सरकार किसे कहते हैं, बिना खर्चे की सरकार किसे कहते हैं, आपकी नौकरी पर किस तरीके से लॉटरी चलती थी, उसको जनता ने दिखा दिया, और आपको आईना दिखाया, और यही आईना उपचुनाव में भी आप देखेंगे, और यही आईना झारखंड, बम्बई के चुनाव में भी, महाराष्ट्र के चुनाव में भी आप देखेंगे। बातों का क्या है, किसान की सरकार, गरीब की सरकार है, बातों का और वादों का नहीं, आप हकीकत की बात कीजिए। वर्तमान में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 10% स्थायी शुल्क बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए की वसूली की है आम जनता के बिल से, 1500 करोड़ रुपए की वसूली। साथ ही प्रदेश के 1,29,968 उपभोक्ताओं से इन्होंने ठगी करने का काम किया है उनके बिल के अंदर। स्वैच्छिक भार वृद्धि जो 30 रुपए हुआ करती थी प्रति किलोवाट, उसको इन्होंने 60 रुपए दुगना करने का काम किया है। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सस्ती की है बिजली, साथ ही किसानों के मिलने वाली जो रियायत है, जो आपूर्ति होती थी बिजली की, उसको केवल और केवल पुरानी सरकार के माथे मंड कर इन्होंने कम करने का काम किया है। अगर आपसे सरकार से प्रबंधन नहीं हो रहा तो उसको मानिए कि हाँ,
यहाँ सरकार फेल है और ये किसान भी जानता है, आम युवा भी जानता है। जिस तरह से युवाओं के साथ इन्होंने कहा कि हमने 40,000 युवाओं को रोजगार दे दिया, वैसे ही बिजली देने की बात करेंगे, वैसे ही ये नगर जो जल जल पीएचडी है उसको जल निगम बनाने की बात सरकार की। सुन लीजिए सरकार की, पूछ लो फ्यूल सरचार्ज आपने 6,476 करोड़ वसूला। गहलोत जी के सिटी में आपने 5 बार बिल में सरचार्ज लगाया, एक की महीने के बिल में 5-5 सरचार्ज तरीके के लगाए। आप जानते हैं कि वही गहलोत, वही गहलोत की सरकार जानती है जनता ने आपको किस तरीके से परिणाम दिया, जनता भी जानती है और युवा भी जानता है कि आपके यहाँ परीक्षा नहीं होती थी, परीक्षाओं में पेपर के लिए ठेके लिए जाते थे और जिसके परिणाम जनता ने भुगते थे। और आज युवा जान रहा है कि पहली बार किस तरीके से निष्पक्ष जनता को विश्वास है, युवा को विश्वास है कि इस सरकार में अगर मेहनत करेंगे तो परिणाम भी सार्थक आएंगे और युवा भी देखेगा। गौरव जी, पेपर लीक के मामले में भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, बताइए कितने पेपर लीक कराए थे और क्या जनता को दिया, क्या युवाओं को दिया, किस तरीके से मुठभेड़ किया जनता ने, आपने जनता के हित पर युवाओं के हित पर किस तरीके, कितने युवाओं ने आत्महत्या किया सरकार के रिपोर्ट में, तो मैं क्या हूँ, राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पेपर लीक के ऊपर कानून है। आपकी सरकार लीक के ऊपर कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया था, मैं आपकी सरकार का रिपोर्ट किया था, कितने युवाओं ने आत्महत्या की, किस तरीके से युवाओं के पढ़ने में कितना धोखा हुआ, बाहर कर्जा लेकर पढ़े किस तरीके से, कांग्रेस सरकार की सरकार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है केवल युवाओं के हित में सरकार काम कर रही है, किसी तरीके का पेपर लीक नहीं हो रहा, पर जनता को विश्वास है, युवाओं को विश्वास है, उनको पढ़ने को विश्वास है और लगातार पेपरों के कारण नीट पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, कह रहे पेपर लीक नहीं हो रहा, जब भारत की सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही, आप कह रहे लीक नहीं हुआ, आपकी ही सरकार का मामला है, मेडिकल का पेपर नीट लीक हुआ था नहीं हुआ था क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसके अलावा पूरे भारत के अंदर इस तरह का संगठन काम कर रहा है, राजस्थान से मेडिकल का लीक हुआ, सरकार ने कार्रवाई की, सुन लीजिए सरकार ने क्या कार्रवाई की, एक परीक्षा लीक पर आपकी सरकार ने कार्रवाई की तो बताइए। चलिए ठीक है, ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जो लीक, ठीक है चलिए, अच्छा ठीक है, अभी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की ही चल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, अभी काफी देर से इसलिए मैं आप लोगों को पूरा मौका दे रहा था कि आप लोग बोलने, नहीं तो कहेंगे बीच में रोक दिया जाता है। तो अब मैं सवाल शैलेश जी ये पूछता हूँ, ठीक है कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, अभी मौजूदा वक्त में आप लोग क्या कर रहे हैं, जनता के लिए क्या रोड मैप है, क्यों और क्या ऐसा खास करने जा रहे हैं कि जो पूरी तरीके से विश्वास करते कि अब तो डबल इंजन की सरकार है सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, आप कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हम बहुत बढ़िया काम करेंगे, अब तो डबल इंजन की सरकार है, 10 महीने हो गए सरकार को बने, तो जनता को कितना लाभ है हुआ है या किस तरीके से नया कुछ क्या लेकर आ रहे हैं जनता के लिए, शैलेश जी इसको बताएं, और ताकि करणवीर जी उससे सहमत है नहीं क्योंकि वो विपक्ष में है और उसको बताएंगे जस्टिफाई उसका, अगर उनको नहीं लगेगा ठीक नहीं है तो उस पर वो आरोप लगाएंगे, खंडन करेंगे। चले पहले शैलेश जी आप बोलिए। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार युवा और जनता के हित में काम कर रही है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए कि मुख्यमंत्री जी किस तरीके से राइजिंग इंडिया के लिए पूरे हिंदुस्तान और पूरे विदेशों में मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक उद्योग यहाँ आए, निवेशक आए, निवेशकों को विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहली बार सरकार प्रथम वर्ष में इस तरीके के राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर रही है ताकि उनको विश्वास है कि युवा अगर निवेशक आएंगे तो उनको पर्याप्त समय मिलेगा अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए। लाखों नहीं करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के एमयू हो चुके हैं और इसके अलावा लाखों नौकरियां रोजगार इस माध्यम से डेवलप होंगे। दूसरी बात देखिए आप किस तरीके से लगातार ऊर्जा के सेक्टर में जिस तरीके से तमाम एजेंसियों के साथ, तमाम कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं और विशेषकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हमको महारत हासिल है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा का हो चाहे पवन ऊर्जा का हो, जिसके लिए राजस्थान में अनुकूल माहौल है उसके लिए, ताकि राजस्थान 2027 तक एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सके और बिजली लेने की बजाय बिजली दे सके। इसके अलावा लगातार पानी के क्षेत्र में एमओयू, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो रही है और आप देखिए यूपीएससी की तरह पहली बार राजस्थान के इतिहास में एक पैटर्न आया है जिसमें 70 परीक्षाओं का परिणाम जारी, परीक्षा की तिथि और परीक्षा परिणाम की तिथि जारी कर दी गई है ताकि युवाओं को यह मालूम हो कि मुझे किस तरीके की किस परीक्षा की तैयारी करनी है, उसका पेपर कब है, परिणाम कब आएगा। युवा केवल परीक्षा की तिथि के लिए सरकार के मौके तरफ नहीं देखे, आज स्थिति यह है कि युवाओं को मालूम है कि कितनी परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है, उसका परिणाम कब आएगा। मैं कह सकता हूँ आप देखिए जो जिस तरीके से 4,500 रुपए में सिलेंडर दिया है, कांग्रेस की सरकार ने केवल 76,000 परिवारों को दिया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1.09 उसमें एनएफएसी के परिवारों को भी शामिल किया,
चाहे तमाम तरीके की पेंशनों को बढ़ाया गया हो, एमएसपी को बढ़ाया हो, लगातार हर क्षेत्र में जो वायदे हमने किए और वादों को निभाने के लिए लगभग 50% वायदे हम पूरे कर चुके हैं और जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि भजनलाल जी की सरकार है जो वायदा संकल्प पत्र में किया है तो पूरा करेंगे, पूरा कर रहे हैं और यही कारण है कि इन चलिए आपने 50% वादा पूरा कर दिया, विपक्ष इसको मानता ही नहीं। करणवीर जी देखिए, अब शैलेश जी कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था 50% हमने पूरा कर दिया, यानी 10 महीने के अंदर ही इन्होंने 50% वादे पूरे कर दिए, अभी आगे जो है उसको भी पूरे किए जाएंगे। सौरभ जी ये वादे कम जुमले ज्यादा हैं, इन्होंने जुमले ही दिए थे, जुमले ही ये सिद्ध हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दे दी, मैंने नौकरियों का तो इनको बता दिया, जो 40,000 नौकरी कांग्रेस की चुरा कर भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से उसको प्रचारित करने में लग रही है, ये कह रहे हैं रोजगार दे दिया, क्या ये युवाओं के साथ न्याय कर रहे हैं? साथ ही जो कांग्रेस सरकार 450 रुपए में सिलेंडर 500 रुपए में सिलेंडर दिया करती थी, उसमें मात्र 50 रुपए की रियायत देकर ये कहते हैं कि हमने सिलेंडर सस्ता कर दिया। हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल की बात करने वाली बात है, कांग्रेस की नौकरी को, कांग्रेस को नौकरी को कैसे चुरा के बीजेपी वाले दे देंगे? अगर आप ही देखे चले गए होते किसी ने रोका था क्या? जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उन लोगों की परीक्षाएं कांग्रेस के राज में हो चुकी थी, उन लोगों की नियुक्तियां कांग्रेस के राज में हो चुकी थी, उन नौकरियों को रिवाइज करके एक नियुक्ति पत्र बांटने का, मार्केटिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये आप यहाँ बैठे हैं शैलेश जी से आप पूछ लीजिए कि जिन नौकरियों का ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने दिए, वो नौकरियां कब हुई, उन नौकरियों की घोषणाएं कब हुई और उन नौकरियों के परिणाम कब आए और उन नौकरियों के नियुक्ति पत्र कब जारी हुए, उन सब चीजों को रिवाइज करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम करने का काम किया है। पर राजस्थान की जनता, भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, पर राजस्थान का युवा भी समझदार है, जानता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर कमीशन के नए नए आयाम स्थापित कर रही है। आज आप देखिए राजस्थान के 85 उपखंड तहसीलों के अंदर SDO ऑफिसर नहीं है, 10 जिलों के अंदर SP नहीं है, जिले के अंदर कलेक्टर नहीं बैठता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन का हाल है। इसके साथ ही आप देखिए कि लगातार राजस्थान के अंदर 50 IAS ऐसे हैं जिनके पास, जिनको इन्होंने एडिशनल चार्ज दे रखा है, 625 RAS का इन्होंने ट्रांसफर किया, उनमें भी 125 को इन्होंने कार्यभार नहीं सौंप पाए। इसके अलावा दौसा के अंदर अभी आप बताइए चुनाव से एक दिन पहले रातों रात इन्होंने 40 प्रिंसिपल्स की ट्रांसफर की लिस्ट निकाली, उसके बाद जब इनको लगा एक जाति विशेष के SC ST के लोगों को बाड़मेर जैसलमेर फेंकने का काम किया, इनको लगा कि किरोड़ी लाल मीना विरोध में आ जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ की प्रदेश की जनता, दौसा की जनता नाराज हो जाएगी, तो इसको हाथों हाथ यूटर्न लेके रद्द करना पड़ा। शादी पार्षदों को 500 पार्षदों का इन्होंने मनोनीत किया, उसके बाद इनको वापस उनको रद्द करना पड़ा। ये तमाम तरह की बातें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर्ची की सरकार चल रही है, ना तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ इनका समन्वय है, ना इनके मंत्रियों का आपस में समन्वय है। मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पे घूम रहे हैं, उससे पहले पूरे वो पर्यटन मुख्यमंत्री जी पूरे भारत का दौरा कर रहे थे। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर हालात बहुत ही भयावह है, जंगल राज की परिपाटी इन्होंने सिद्ध कर दी है कि राजस्थान के अंदर जंगल राज आज भी कायम है। 20,000 महिलाओं के साथ आंकड़े देश शोषण के, रेप के, उनके साथ दुर्व्यवहार के 20,000 के आसपास के आंकड़े सरकार खुद स्वीकार की। अब ठीक है, ठीक है शैलेश जी, देखिए करणवीर जी बात तीसरी बार इस डिबेट के दरमियान जंगल राज, ठीक है सर, अब आप जंगल राज कह रहे हैं तो सुनिए सवाल, तीसरी बार जंगल राज का जिक्र कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए, आपने 50% पूरे कर दिए। आप कह रहे हैं 50%, इधर तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने जंगल राज कायम कर दिया, क्या है इसमें सत्यता? अब आपके सामने ही आरोप लग रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अब जी बिल्कुल तो जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने काम किए हैं, जनता के प्रति जो जवाब दी थी हमने उसको निभाया है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कांग्रेस के संग, दिक्कत यह रही है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को ये बिल्कुल नहीं पच पा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में एक पहली बार के विधायक बने मुख्यमंत्री ने किस तरीके से आम जनता के लिए किए गए सरकार के वायदों को, पार्टी के वायदों को पूरा करने का संकल्प लिया था और उसको पूरा करके दिखाया है। ये कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के नेताओं को पच नहीं रहा, क्योंकि अभी मन सब सरकारें बनती थी कांग्रेस की तो पहली साल तो भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार में चलती थी। जंगल राज तो इनकी सरकार में कायम था, भ्रष्टाचार में ये नंबर 1 थे, परिवारवाद में नंबर 1
थे, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए थे उसमें नंबर वन थे, जिस तरीके से तमाम तरीके घोटाले हुए थे उसमें रीट हो जे जे एम ओ सब में नंबर वन थे। तो जंगल राज तो इनके लिए शब्द ऐसा था जो इनके लिए सरकार में परिणित हुआ था और वो शब्द इनको यह देता है। लेकिन वास्तव में आज अगर भारत में रामराज राजस्थान में स्थापित हुआ है तो रामराज हुआ, जनता के लिए सरकार चल रही है, जनता के काम कर रही है और जनता ये एहसास भी कर रही है कि गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो जनता के लिए काम कर रहा है। और जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को नहीं पच रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनके पचने से जनता के लिए जवाब दे, जनता के लिए काम करिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं और इसका परिणाम उपचुनाव में लगातार दिखाई भी देगा। सौरभ जी, आज प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर फिर से हड़ताल पे जा रहे हैं, इनके मंत्री स्वयं इस्तीफा देकर हड़ताल पे, इनके विधायकों की नाराजगी जग जाहिर है, इनके जलदाय मंत्री स्वयं मान चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा वो भी इस बार की इस प्रति सरकार से नाराज है, उनकी परफॉर्मेंस से नाराज है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे सुशासन का दम भर सकती है, नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर आप लोगों ने राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया। अब राजस्थान की जनता, अच्छा आपको ये किसने बता दिया कि प्रधानमंत्री जो है वो नाराज है? करणवीर जी, इनके जल संसाधन मंत्री स्वयं मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री राजस्थान की परफॉर्मेंस को लेकर नाराज है। वो उनको पता है कि राजस्थान की जनता ने उनको लोकसभा के अंदर वोट नहीं दिया, इस वजह से मोदी जी खफा है। तो मोदी जी आप भी सुन लीजिए, जिस तरह के वादे आप करके गए थे राजस्थान की जनता को, झूठा वादा, डीजल पेट्रोल की रेटें हरियाणा के बराबर करने का वादा आप लोगों ने किया था, राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने का वादा आपने किया था, राजस्थान की जनता से आपने चिरंजीवी जैसी महत्वाकांक्षी योजना छीनने का काम आपने किया है, इस वजह से राजस्थान की जनता आपसे नाराज है। शैलेश जी, अब देखिए लोग कह रहे हैं कि ये जो आरोप है मोदी जी भी नाराज चल रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? देखिए मोदी जी कांग्रेस को पता नहीं किस तरीके से, क्योंकि इनके यहाँ दिक्कत क्या है कि इनके यहाँ जो आंख दिखाने का सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक बन के आए थे अजय माकन, उनको किस तरीके से आंख दिखाई, बेरंग लौटाया, सारे विधायकों को अपने विधायक अपने घर में कैद कर लिया, तो उनको तो ये आदत लग गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र लोक स्वस्थ लोकतंत्र है और स्वतंत्र परंपरा है। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है, कांग्रेस के संग दिक्कत यह है कि जिस तरीके से भजनलाल जी सरकार राजस्थान के बाहर भी जिस तरीके प्रभाव पड़ रहा है, आप देखिए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस तरीके से हरियाणा में उनको भेजा गया और हरियाणा में लगभग सभी सीटें वो जीत कर आए, और जिस तरीके से भारतीय जनता जिन सीटों पर गए भारतीय जनता पार्टी जीती, तो भजनलाल जी की लोकप्रियता से कांग्रेस घबराई हुई है और इस कारण इस तरीके मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। बाकी आप देखिए जिस डीजल पेट्रोल की रेट का ही बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपकी सरकार के समय आपने एक बार भी वायदा किया था और आपने हमने तो सरकार बनने के तुरंत बाद डीजल पेट्रोल कही थी कि राजस्थान की बने और हरियाणा की बने, मैं बता रहा हूं सुनिए, 2% रेट कम किया था राजस्थान में किया, और आपकी सरकार में गहलोत साहब ने 3,469 करोड़ रुपए तो वैट के नाम पे दो कोरोना के समय वसूले थे, जिस समय राजस्थान की जनता त्राई त्राई माम कर रही थी, आपकी सरकार होटल में बैठी हुई थी और उसके बावजूद वैट के नाम पर कितना करोड़ रुपए वसूले थे आपने, जरा आंकड़े भी उठा के दीजिएगा, आपको शायद जानकारी नहीं होगा, उठाइए उसमें कितना वैट वसूला था आपकी सरकार ने। आप डीजल पेट्रोल पर बोलने का तो आपको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि डीजल पेट्रोल पर भजनलाल जी की सरकार ने आते ही वैट कम किया और सबसे ऐतिहासिक काम किया, हरियाणा के बराबर कर दिया क्या? राजस्थान की और हरियाणा में कितना अंतर है ये कौन याद दिलाएगा प्रधानमंत्री जी को? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हम बताएंगे की जो रेट की अनियमितता उसकी समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करते हुए 2% वैट कम किया, इसके अलावा पूरे राजस्थान में डीजल पेट्रोल की वैट की रेट तमाम की गंगानगर से हरियाणा तक और 3,400 करोड़, आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए थी, जिस समय कोरोना के समय जनता त्राही माम कर रही है और आप होटल में बैठकर वेट कर रहे हैं, इस तरीके की वसूली कर रहे हैं, आपको डीजल पेट्रोल पर बोलने का अधिकार नहीं है और जनता ने आपके अधिकार को छीन लिया इसलिए। चले ठीक है, चलिए करणवीर जी, अब देखिए बहुत बात इधर उधर के हम लोग कर लिए, अब चुनाव पे फिर आते हैं क्योंकि काफी देर से हमारा जो मुद्दा है वो डीरेल हो रखा है। करणवीर जी, क्या फार्मूला रहने वाला है इस बार, क्या फार्मूला सेट कर रहे हैं आप लोग? जनता के हित की बात को जनता के बीच में जाकर पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी उठाएगी। कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीनों के अंदर किया है उसको उजागर प्रकाशित परिभाषित करने का काम करेगा, उसके आधार पर जनता से अपील करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को आईना दिखाने का समय आ गया है। इन 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, राजस्थान की आम जनता
इस भजनलाल सरकार को 4 महीने 4 साल और 2 महीने के लिए पाबंद करेगी कि आप अपने वादों पर लौट आइए। आपने जिस तरह के झूठे वादे करके राजस्थान की जनता को गुमराह किया था उनकी पूर्ति कीजिए और राजस्थान की जनता को राहत देने का काम कीजिए, वरना विपक्ष आपको बराबर सदर सड़क से लेकर संसद तक लगातार हर मुद्दे पर घेरता रहेगा, क्योंकि आपने राजस्थान की जनता के साथ ठगने का काम किया, उनके साथ धाराघात करने की कोशिश की। अच्छा, अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए और हरियाणा का परफॉर्मेंस आप लोगों को ठीक नहीं रहा है, क्या ठीक, क्या आपने देखा स्थिति क्या है? सरकार नहीं बन पाई, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना ली, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित नहीं हो पा रहे कहीं, क्योंकि लगातार आप लोग हार का सामना करना पड़ रहा है आपको। क्या लगता है कि हारा मन से या फिर जो हतोत्साहित कुछ लोग हुए हैं कार्यकर्ता, कैसे उनमें संजीवनी भरा जाए, कैसे उनको उत्साहित किया जाए ताकि वो जो है अच्छा परफॉर्मेंस करें? सौरभ जी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी से 0.8% ही कम था, इतना सा अंतर वहां रह गया। और कुछ कम समीकरण इस तरह के रहे, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किस तरह की राजनीति की, एक जाति विशेष को टारगेट किया, उन सबको चीजें इसके साथ में गई है। और कांग्रेस की पार्टी की जो समीक्षा बैठक है उसमें जो कारण रहे हार के उनके ऊपर मंथन किया जा रहा है, उनकी स्टडी की जा रही है। आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता दुगनी रफ्तार के साथ, दुगने उत्साह के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र और जिन भी राज्यों के अंदर चुनाव है वहां पर आमजन की बात को मुस्तैदी से उठाएगा, आम जनता के बीच जाएंगे, आम जनता के मुद्दों की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जातिवाद पे, ध्रुवीकरण पे, सांप्रदायिकता पे, इन सब चीजों में चुनाव न लड़ते हुए देश की जरूरत, आम आदमी की जो जरूरत है, उसके जो मुद्दे हैं, जो उसकी रोजी रोटी है, उसकी स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका रोजगार यापन का जो उसके फॉर्मूले हैं, उन सब पे बात करना चाहती कांग्रेस पार्टी। मुद्दों की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी देश को धार्मिक रूप से, देश को जातिवाद के रूप में, देश को वर्ग के हिसाब से वर्गीकृत करने का काम करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर राजनीति करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर लेके आना चाहती है। शैलेश जी, आप मुद्दों पर राजनीति आप लोग नहीं करते हैं क्या? करणवीर जी ये कैसा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? सौरभ जी, करणवीर जी जो आरोप लगा रहे हैं बिना सिर पैर के आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ही मुद्दों की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, काम की बात करती है और जवाबदेही की राजनीति करती है। और जिसके परिणाम पर जनता जब वोट देने जाती है तो दिखाती भी है। जिस तरीके से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बने और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, दो लगातार उदाहरण है जिसमें दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति काम पर होती है। हम अपने काम पर वोट मांगते हैं और जनता से कहते हैं कि हमने काम किया है और काम के आधार पर जनता हमारे साथ निर्णय करती है और जनता मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है। और यही स्थिति इस बार देखिएगा, राजस्थान के उपचुनाव में होगी। 10 महीने के काम पर हम वोट मांगेंगे और काम पर वोट मांगकर उपचुनाव में जीतेंगे। अभी हमारे मित्र करणवीर जी कह रहे थे कि सातों की सातों सीट, अभी तक तो 7 सीट पर आपकी पार्टी का स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके जो गठबंधन के सहयोगी दल है वो आपको जिस तरीके से आंख दिखा रहे हैं, कोई कह रहा है चीफ सर के संग डेली उन्हें चाहिए, कोई कह रहा है सलूम्बर के संग 84 चाहिए और ये नहीं देंगे तो हम रामगढ़ और झुंझुनू भी लड़ेंगे। तो अभी तो आपकी पार्टी की स्थिति स्पष्ट नहीं है, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे। आप आज बार्गेनिंग पावर की स्थिति में नहीं है। आप देख रहे हैं गठबंधन के सहयोगी दल हमारे साथ आ जाएं और किस तरीके से हम चुनाव में उतर सकें, क्योंकि आपको मालूम है जमीन आपकी इन जगहों पर कैसी है। इसलिए अभी कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल ये है कि चुनाव में जाने से पहले किस तरीके के लिए, क्योंकि दूसरे ओर देखकर जिनके खुद की स्थिति इस वक्त मजबूत नहीं है उनको ये कहने की स्थिति नहीं है संभव। चलिए ठीक है, जवाब देंगे क्या करणवीर जी? आपकी स्थिति ठीक नहीं है और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। सौरभ जी, हमारे साथी जिन सीटों की बात कर रही है उनको देखना चाहिए, उन 7 सीटों में से बीजेपी के पास मात्र 1 सीट है, 4 सीटों पर कांग्रेस स्वयं जीती हुई है और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, चाहे 84 से हो चाहे 63 से हो, वहां पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते हुए हैं। तो 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस लीड कर रही है और सलूम्बर के अंदर भी जिस तरीके से इन्होंने दलित का डीएनए जांच करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो आदिवासी का सम्मान करना नहीं जानती, जो महिलाओं के साथ सम्मान की बात नहीं कर सकती, जिस तरीके से मदन दिलावर जी का कलगी का बयान आपने सुना होगा, कितनी ओछी मानसिकता के साथ उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं पर टिप्पणी की है, ये सभी लोग चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हो, ये आने वाले समय में परिवर्तन की
राह निकालेंगे, परिवर्तनीय बयान लाएंगे और इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करेगी। आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी कि आपने जिस तरह से ये जंगल राज बनाया है, इसको जंगल राज न बनाते हुए आप नहीं सहेगा राजस्थान की जो धारणा है उसके ऊपर लौटाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, नहीं सहेगा राजस्थान, शैलेश जी राजस्थान नहीं सहने वाला है। चलिए अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो चीजें अभी कई सारे आरोप लगे हैं, आगे की जो रणनीति है, जो 50% अभी शेष रह रहा है जो आप बता रहे हैं, उसको कैसे, उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा? देखिए सौरभ जी, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, हर मंत्रिमंडल की समान तरीके की कमेटियों के माध्यम से समीक्षा होती है, लगातार सरकार के जो अधिकारी हैं उनको सरकार की तरफ से टारगेट दिए हुए हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो 5 साल का समय है उससे लगभग आधे समय से लगभग 2.5 साल के अंतर्गत हम संकल्प पत्र को पूरा के पूरा करके जनता को बता देंगे किस तरीके से ये सरकारें काम करती है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि काम करने की जब इच्छा शक्ति होती है तो परिणाम भी सार्थक होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी वही होते हैं, केवल काम करने की इच्छा सरकार की होनी चाहिए और सरकार की इच्छा आज जनता को दिख रही है, इसलिए हम अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से कह सकते हैं कि हम जो संकल्प पत्र वायदे किए उनको पूरा करेंगे और वायदे के अलावा अतिरिक्त काम भी करेंगे। जैसे ऊर्जा सेक्टर में हम जो काम कर रहे हैं, 2027 तक राजस्थान आत्मनिर्भर बने, राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक काम होगा जब हम बिजली लेंगे नहीं बल्कि देने वाला प्रदेश करेंगे और हम उल्टे और राजस्थान आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर सोलर जो सिस्टम लगाने की बात चल रही है, बिजली का बिल शून्य करने पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, यूनिट फ्री देने पर काम की आवश्यकता ही नहीं है, आप सोलर सिस्टम लगाइए, जनता सब्सिडी दे, हम सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी देने के बाद सरकार जिस तरीके से दे रही है आम जनता आगे बढ़ाकर इसमें आगे सक्रिय है और आप देखो कुछ समय के पश्चात जो सोलर सिस्टम लगेंगे जनता को अपने आप राहत मिलेगी क्योंकि जो सब्सिडी है उससे आम जन के प्रति इसमें रुझान बढ़ा है। चलिए ठीक है, करणवीर जी फाइनल कमेंट। औरब जी, अच्छे दिन आएंगे की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक भारत देश को पागल बनाए रखा, चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में राजस्थान की जनता को जुमलों के नाम पर गुमराह करके सोलर सिस्टम में, ये आप आज की तारीख में राजस्थान के आमजन को क्या राहत देने वाले, आप आज की तारीख में युवाओं को क्या रोजगार देने वाले, आप आज की तारीख में महिलाओं को महंगाई से कैसे राहत देने वाले, आप आज की तारीख में किसान की आय दुगनी करने के फॉर्मूले का क्या लेके आने वाले, आज की बात नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 2047 की बात करेगी, जहां जहां तक आप और हम नहीं पहुंच सकते, भारतीय जनता पार्टी को आज के अंदर जीना चाहिए, आने वाले समय में इनको बताना होगा इस उपचुनाव के अंदर इन्होंने पिछले 10 महीने। चलिए अपनी अपनी तैयारियां हैं, सभी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर जी आपका, शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। देखिए कांग्रेस अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, बीजेपी अपने तरफ से तैयारी कर रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये सियासत का पार्ट है, कोई भी पार्टी रहे वो आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, लेकिन उपचुनाव में जनता किस पर ज्यादा विश्वास करती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनता को ही मुहर लगाना है, जनता को ही वोट करना है। अब जैसा कि कांग्रेस के अभी साथी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि 10 महीने का कुशासन या जनता परेशान है, अब जनता कितना परेशान है क्योंकि भजन लाल सरकार जो है वो लगातार जनता के लिए काम कर रही है, राइजिंग राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं, निवेश लाना चाह रहे हैं और ERCP का जो मुद्दा था उसको लेकर भी चर्चाएं हुई और मध्य प्रदेश से MOU साइन हुआ, कई सारी चीजें हैं जो निकलकर अच्छी अच्छी सामने आई हैं। जनता इन बातों को क्या कितना तरजीह देती है, उपचुनाव में कितना माइलेज मिलता है, किस पार्टी को कितना फायदा होता है, इसको लेकर थोड़ा आप इंतजार कीजिएगा और सब आपके सामने होगा प्राइम टाइम डिबेट में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।